हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर श्वेता। आज के लेक्चर में हम एक्सटेंशन थ्योरम जो लीनियर जबरा का है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। आपको यहाँ पे बता दूंगी, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सटेंशन थ्योरम लीनियर जबरा का प्रूफ किया था। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लीजिए वी वेक्टर स्पेस है और फील्ड एफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और एस मान लीजिए कोई है सबसेट है वी का, करेक्ट। अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए एस इज एलाई सबसेट ऑफ वी, तो या तो एस बेसिस है वी का, या एस को हम वी की बेसिस पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये था थ्योरम का स्टेटमेंट। इसी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। बेसिकली जो थ्योरम हमने प्रूफ किया था, थ्योरम में जो स्ट्रेटजी थी वही स्ट्रेटजी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। तो इससे आपका थ्योरम भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल भी क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। यू हैव टू एक्सटेंड द सेट एस विच इज गिवन बाई, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट है 0003, सेकेंड एलिमेंट है 1100, थर्ड एलिमेंट है 01-10। वी हैव टू एक्सटेंड दिस सेट टू फॉर्म द बेसिस ऑफ आर टू द पावर 4। आर 4 की बेसिस ओवर फील्ड आर है, ठीक है। तो एस को आपको एक्सटेंड करना है, इस तरीके से एक्सटेंड करना है ये आर 4 की बेसिस बन जाए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस वी इक्वल टू जो आर 4 है ओवर आर, इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ वी या डायमेंशन ऑफ आर 4 जो है वो होता है 4, मतलब इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, इसके बेसिस में होंगे 4 एलिमेंट्स, ठीक। अब आपको जो सबसेट एस दिया गया है यहां पे, इसमें है 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर इसे V की बेसिस में, मतलब R4 की बेसिस में एक्सटेंड करना है, और S अगर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इफ S इज Li, है ना, अगर S Li है तो एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इसे R4 की बेसिस में एक्सटेंड कर पाएंगे, राइट। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एक्सटेंशन थ्योरम का हम इस्तेमाल करके, यूज करके एस को आर 4 की बेसिस में एक्सटेंड कर देंगे। और हमें कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, सिंस वी नो दैट आर 4 की बेसिस में 4 एलिमेंट है और हमें जो सबसेट एस दिया गया है उसमें 3 एलिमेंट है, तो हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। वो एलिमेंट क्या होगा, मान लीजिए अगर ये X1 है पहला एलिमेंट, ये X2 है और ये X3 है, तो चौथे एलिमेंट को हम X4 कह सकते हैं। वो X4 किस तरीके से चूज किया जाता है इसके बारे में हमने थ्योरम के प्रूफ में ऑलरेडी बता रखा है, तो उसका यहाँ पे आप एप्लीकेशन भी देख लेंगे, ये है खास बात की। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले चूंकि मैंने आपको बता रखा है ये एक्सटेंशन थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो एक्सटेंशन थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। देखिए एकदम थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक है, जैसे थ्योरम हमने प्रूफ किया था। चेक दैट एस इज एल आई सबसेट ऑफ आर 4 और नॉट, ठीक है, एल आई सबसेट होगा, एक्सटेंशन थ्योरम आराम से लगा देंगे। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो X1 X2 X3 लिखे हुए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसिडर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ X1, X2, X3, या कह सकते हैं ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस गिवेन बाय, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन X1, X2, X3 का, मान लेते हैं इट इज AX1 BX2 CX3 इक्वल टू जीरो। अब आर 4 का जीरो क्या होता है, 0 0 0 0, तो ये हो गया इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, जहां ए बी सी फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड आपका क्या है आर, तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर। हमें ये देखना है कि क्या X1, X2, X3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो ए बी सी की वैल्यू जीरो आ जाना चाहिए, यही हमें चेक करना है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए टाइम्स X1, X1 की वैल्यू क्या है 0003, X1 क्या है ये बोलना होगा, वैल्यू नहीं बोलना, X1 इज दिस। बी टाइम्स X2 इज वॉट, X2 इज 1, 1, 0, 0, प्लस सी टाइम्स X3 क्या है 0, 1, -1 एंड 0 इक्वल टू 0000, ठीक है।
और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ए ये है ए, या इसको और लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या है बेसिकली ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दें, दिस इज जीरो 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 एंड थ्री टाइम्स ए, प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें या स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहेंगे इसे, बी बी जीरो जीरो प्लस सी से देख लेते हैं तो जीरो सी माइनस सी जीरो इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो इसको इससे सम कीजिए, जीरो प्लस बी प्लस जीरो दैट इज व्हाट इट इज बी, ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड जीरो प्लस बी प्लस सी, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, बी प्लस सी, वेरी गुड। एंड थर्ड वन इज जीरो प्लस जीरो माइनस सी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, माइनस सी। एंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट थ्री ए प्लस जीरो मतलब थ्री ए, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, हमें देखना है ए बी सी की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं, तो देखिए यहां से आपको मिल रहा है क्या, इक्वेट करिए तो बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस सी इक्वल टू जीरो मतलब सी इक्वल टू जीरो, थ्री ए इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो, तो देखिए क्या मिला आपको, ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, बी प्लस सी इज ऑफ कोर्स देन जीरो, तो ए बी सी जो है ये तीनों ही जीरो हो गए, ठीक है। अगर आप इसको टू लिख देते हैं और इसे लिख देते हैं वन, तो वन और टू से ये निकल के आता है क्या कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर फोर, तो लिख सकते हैं यहां पे दिस शोज दैट S is linearly independent subset of vector space R4. ये तो हुआ हमारा पहला टास्क। अब हम आते हैं सेकेंड टास्क पे। सेकेंड टास्क क्या है, अब आपको क्या करना है, नाउ वी वॉन्ट टू एक्सटेंड सेट S, ठीक है। तो लिख सकते हैं नाउ वी वॉन्ट टू एक्सटेंड सेट S, किस तरीके से एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये R4 की बेसिस बन जाए। सो नाउ वी वॉन्ट टू एक्सटेंड सेट S, extend set S to form basis of R4, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, using extension theorem, जिसके बारे में just इसके previous lecture में आप देखेंगे, lecture 39 है वो, अभी उसमें पूरा clear detail लिखा हुआ है, using extension theorem, ठीक। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें कैसे एक्सटेंड करना है, ऑफ कोर्स हमें करना क्या है, हमें एस में एक एलिमेंट इंक्लूड करना है क्या, मान लेते हैं कि वो एलिमेंट क्या है एक्स फोर, ठीक है। वी वांट टू इंक्लूड एस यूनियन एक्स फोर, एस में हमें एक्स फोर एक एडिशनल एलिमेंट इंक्लूड करना है, लेकिन खास बात क्या होनी चाहिए, इस एक्स फोर में क्या खास बात होनी चाहिए, क्योंकि हमें आर फोर की बेसिस बनाना है, तो एस यूनियन एक्स फोर करके जो आपको नया सेट एस वन मिलेगा वो एस वन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। क्योंकि अगर एस वन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो एस वन में टोटल एलिमेंट हो जाएंगे चार, आर फोर की बेसिस पे मैक्सिमम एलिमेंट कितने होते हैं चार, तो एस वन बन जाएगा मैक्सिमम एलआई सबसेट और इसलिए एस वन बेसिस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो पूरा क्वेश्चन है कि एक्स फोर कैसा एलिमेंट होना चाहिए, तो इस बात को हम लिख सकते हैं क्या, वी नीड वेक्टर एक्स फोर, लेकिन इसकी खास बात क्या है, हमने अपने इस थ्योरी में बताया था x4 ऐसा होना चाहिए कि x4 shouldn't belongs to linear span of S, अगर ऐसा है तो आपका जो नया सेट आएगा S1 वो linearly independent बना रहेगा। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं वी नीड वेक्टर x4 विच इज नॉट इन linear span of S, इसको लिख सकते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है। मतलब दैट इज एक्स फोर शुड नॉट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस, अगर ऐसा है देन एस वन इज इक्वल टू एस यूनियन एक्स फोर विल बी द बेसिस, ये बेसिस बन जाएगा किसका,
ऑफ आर टू द पावर फोर, एंड ऑल्सो खास बात क्या है कि एस वन इज द एक्सटेंशन ऑफ एस, ऑल्सो एस वन इज द एक्सटेंशन ऑफ एस, क्योंकि आप देख सकते हैं एस इज कंटेन्ड इन टू एस वन। तो आइए हम ये चेक करते हैं, कैसे ये हम ये चेक कर सकते हैं, एक्स फोर इज नॉट इन द लीनियर स्पैन ऑफ एस। जैसे होता है ना मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन वाला तरीका, कि मान लेते हैं कि अगर एक्स फोर लीनियर स्पैन ऑफ एस में है तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिलेगा जो कि एब्सर्ड होगा। तो इफ पॉसिबल, मान लेते हैं इफ पॉसिबल, ठीक है, एक्स फोर बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस, मान लिया अगर ऐसा है तो देखते हैं हमें क्या एब्सर्ड मिलता है। देखिए अगर एक्स फोर लीनियर स्पैन ऑफ एस में है तो स्पैन की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, एक्स फोर को हम एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मीन्स दैट इज एक्स फोर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री विच आर एलिमेंट ऑफ एस। मतलब वी कैन राइट एक्स फोर एज ए टाइम्स एक्स वन प्लस बी टाइम्स एक्स टू प्लस सी टाइम्स एक्स थ्री, वेयर ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड विच इज आर। अभी तो ये क्वेश्चन होता है कि एक्स फोर आपको चूज भी करना है कि एक्स फोर वो क्या एलिमेंट आप ले पहले, तब तो हम जाके चेक करेंगे। तो एक्स फोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जनरल एक आइडिया ये होता है कि जैसे हमें ये पता है कि आर फोर की जो यूजुअल बेसिस होती है वो क्या है, वो है 1000, ठीक है, 0100, 0010 एंड 0001। तो बेसिकली मेरा सजेशन ये कि अगर आप इसमें से ही कोई एक एलिमेंट चूज करें तो ज़्यादा आसानी होगी। वैसे आप फ्री हैं, कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं, बस आपका मेन काम है कि एक्स फोर जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ एस पे ना आए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने आज ऐसा कैलकुलेशन किया है, हमने अपने हिसाब से यहाँ पे एक्स फोर को 0100 लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेट एक्स फोर इज इक्वल टू, अगर हमने मान लिया कि ये 0100 है, ठीक, आप इनको भी ट्राई करके देखिएगा, क्या आप एक्स फोर की जगह 1000 ले सकते हैं, क्या 0010 ले सकते हैं, क्या ये तीसरा भी एलिमेंट ले सकते हैं कि नहीं, मैं इस एलिमेंट को लेके ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्स फोर जो है वो एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सका तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो वही हम चीज यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या हमें कंट्राडिक्शन मिलता है। एक्स फोर इज 0100, ये सब ने माना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप यही माने, आप कोई और भी चूज कर सकते थे और या कोई दूसरा एलिमेंट इनसे अलग भी आप चूज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू चूज। मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक, ए टाइम्स एक्स वन, एक्स वन क्या है आपका, एक्स वन है आपका, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, ओके 0003, दिस इज योर एक्स वन, प्लस बी टाइम्स एक्स टू क्या है, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट भी किया हुआ है, एक्स टू इज 1100 प्लस सी टाइम्स, एक्स थ्री क्या है आपका, एक्स थ्री इज 0 1 -1 0, ठीक है। तो अभी हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया था, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो व्हाट यू गेट, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू एज दिस इज इक्वल टू बेसिकली दिस इज इक्वल टू बी बी प्लस सी माइनस सी कॉमा 3a एंड दिस इज 0100, ठीक। अब भाई हम इसे इक्वेट कर सकते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक्स फोर को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, आप ये मान के चल रहे हैं कि एक्स फोर बिलोंग्स टू एल एस है, ठीक। तो यहां से आपको एक चीज तो ये मिला कि बी मस्ट बी जीरो, ओके, और क्या मिल रहा है, बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू वन, ओके, और क्या मिल रहा है, सी मस्ट बी जीरो, और क्या मिल रहा है, ए मस्ट बी जीरो। अब देखिए यहीं पे आपको कंट्राडिक्शन मिल गया, आपका बी भी जीरो है सी भी जीरो है, तो अगर बी इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं आप, सी इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं, तो बी प्लस सी इक्वल टू वन क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये आपको एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने अजम्पशन लेके हम चल रहे हैं कि एक्स फोर बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस, यही भी प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज यू आर गेटिंग द एब्सर्ड थिंग, राइट। तो फाइनली व्हाट यू कैन से दैट एक्स फोर डजंट
बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस। यही हमारी स्ट्रेटजी भी है। थ्योरम के प्रूफ में भी हमने ये कहा था कि अगर सेट एस जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इससे अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं वेक्टर स्पेस की बेसिस में, तो इसमें जो भी एलिमेंट आप एक्स फोर इंक्लूड करना चाहते हैं, जो भी एलिमेंट, ऐसा जरूरी नहीं कि हमने ये जो लिया है यही हो, कोई दूसरा भी ले सकते थे आप, बस ये होना चाहिए कि एक्स फोर शुड नॉट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस। अगर ऐसा होगा तो आपका जो नया सबसेट आएगा, मान लीजिए कि एस यूनियन एक्स फोर इक्वल टू एस वन है, तो जो नया सबसेट एस वन आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। और आप बेसिस बना रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो रहना ही चाहिए। फाइनली यहां से ये बात निकल के चली आएगी भाई एक्स फोर जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ एस में नहीं है, यही हम चाहते थे। यहां पर जरूरी नहीं कि आप एक्स फोर ही में यही एलिमेंट लें, जैसे हमने यहां पे लिया 0 1 0 0 0, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते थे, बस खास बात यह है कि उस एलिमेंट को ये कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, यही मेन है। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई कि यूजुअल बेसिस के में से आप चूज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि आप यूजुअल बेसिस से ही लें। और यहां पे फाइनली आपका जो नया सबसेट एस वन आया वो क्या आया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, दिस इज द बेसिस ऑफ आर फोर बोलिए, एंड ऑल्सो एस वन क्या है, वो एस का एक्सटेंशन है, एस वन इज एक्सटेंशन ऑफ एस। तो फाइनली बिकॉज एस इज कंटेन इन टू एस वन, तो यहां पर देखिए हमने एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करके कैसे हमने इस सबसेट को जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट था आर फोर का, इसे हमने आर फोर की बेसिस में एक्सटेंड किया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको इस प्रॉब्लम को करने के बाद। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है या समझने में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, तो आप फ्री हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मैं ऑफ कोर्स मैं मोस्टली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और यस, इफ़ आई एम सपोर्टिंग यू देन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, कमेंट करें, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ये करना प्लीज़ ना भूलें, ओके, सो दैट मैं भी कंटिन्यू रखूँ ये जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये जो नया मुहिम स्टार्ट किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी को मैथमेटिक्स जो है पहुँचाऊँ, समझाऊँ, समझाने की कोशिश करूँ, यही मेरा मेन मोटो है, ओके। तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप हमें मोटिवेट करें ताकि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, शुक्रिया।